वीरपुर में जनता दरबार का हुआ आयोजन, दो मामले निष्पादित। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को वीरपुर थाना के प्रतीक्षालय भवन में भूमि विवाद का निपटारा हेतु जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी ललिता कुमारी ने बताया कि आयोजित जनता दरबार में पूर्व का 11 एवं नया आवेदन 3 सहित कुल 14 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें से 2 मामलों का निष्पादन किया गया, वहीं शेष लंबित मामले की अगली तिथि हेतु दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया। जनता दरबार के आयोजन को लेकर फरियादियों में काफ़ी उत्साह देखी गई, अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए नजर आए। मौके पर वीरपुर थानाध्यक्ष समरेंद्र कुमार, राजस्व कर्मचारी चंद्रदीप चौधरी समेत अंचल क्षेत्र के कई फरियादी मौजूद थे। जनता दरबार का आयोजन जो किया जा रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है? जनता दरबार करने का मुख्य उद्देश्य सरकार का यही है कि जो भी जमीन संबंधी विवाद हैं उसको स्थानीय स्तर पर सुलझाया जाए, और सरकार का ये मानना है कि लगभग 60% जो क्रिमिनल आपराधिक मामले जो हैं वो भूमि से जुड़े हुए हैं, तो भूमि संबंधी विवाद को अगर खत्म कर दिया जाए तो थाना में जो केस और मुकदमा होता है उसकी संख्या कम हो जाएंगी और शांति की स्थिति कायम होगी क्षेत्र में, इसलिए जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। क्या नाम है? मैं अंचलाधिकारी ललिता कुमारी, वीरपुर।